previous session, we have studied the chapter of English language, that is adjective. And today we will study the chapter number 7, that is Nightingale. So, the author of this chapter is Hans Christian Andersen. And he was a Danish author and he wrote many of the books like Mermaids and the Nightingale. So, the summary of this chapter is, it is about an emperor who prefers the tinkling of a bejeweled mechanical bird to the song of a real nightingale. When the emperor is near death, the real nightingale's song restores his health. So, chapter mein kya keh raha hai ki story nightingale. Nightingale means bulbul kehte hai nightingale ko. Unki story hai jisme emperor ke kingdom mein एक बुलबुल रहती है जो बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग गाती है, बहुत मीठा गाना गाती है, ठीक है. शी लिव्ड इन अ डेंस फॉरेस्ट, वो एक घने जंगल में रहती है. एंड व्हेन द किंग हर्ड अबाउट दैट बर्ड, जब वो राजा उस बर्ड के बारे में सुनते हैं तो वो उनको ऑर्डर देते हैं कि तुम जाकर उसे लेकर आओ. एंड व्हेन दे ब्रिंग हर, जब वो उस बर्ड को वहां पर ले आते हैं तो जब राजा उसकी मेलोडियस वॉइस को सुनता है और उसे इतनी अच्छी लगती है कि वो उसे कहता है कि ये यहीं रहेगी. But she flew up, वो उड़ जाती है, because she don't want to live in a cage, उसे पिंजरे में नहीं रहना रहता, इसलिए वो उड़ जाती है. तो तभी उस राजा को कुछ लोग जो है मोती से बना हुआ, सोने से बना हुआ मोती जड़े हुए बर्ड जो है सोने की, वो उसे गिफ्ट देते हैं किंग को, ठीक है, जिसमें उस बर्ड की, उस नाइटिंगेल की वॉइस फीड होती है, ठीक है. तो जो किंग है उस वॉइस को काफी सालों तक सुनता है, बट वो उससे फेड अप हो जाता है कुछ टाइम बाद कि वो उसी वॉइस को, उसी सेम वॉइस को बार बार कितनी बार सुनेगा. और कुछ टाइम बाद वो बर्ड जो है वो नकली बर्ड रहती है, मैकेनिकल बर्ड रहती है, जो खराब भी हो जाती है, ठीक है. तो राजा जो है उस वजह से बीमार पड़ जाता है और वो डेथ की कगार पे आ जाता है, मरने की कगार पे आ जाता है. और जब उस बर्ड को पता चलता है, नाइटिंगेल को, बुलबुल को, कि ऐसा हुआ है राजा के साथ, तो वो वहां पर जाती है उसके किंगडम में, उसके महल में जाती है और उसे वो गाना सुनाती है, इससे वो राजा ठीक हो जाता है, ठीक है. सो दिस इज द स्टोरी. नाउ लेट्स बिगिन. सी सम हार्ड वर्ड्स विद देयर मीनिंग व्हिच आर इन योर चैप्टर. सो द फर्स्ट वर्ड इज एडमायर एंड द मीनिंग इज टू लुक एट समथिंग एंड प्रेज. क्या मतलब है एडमायर का? किसी चीज को देखकर उसकी प्रशंसा करना, ठीक है, मींस प्रशंसा, ठीक. नेक्स्ट है एस्टोनिस्ट, मींस वेरी सरप्राइज्ड, मतलब आश्चर्यचकित हो जाना. नाउ द वर्ड इज बोस एंड द मीनिंग इज लार्ज ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, मतलब टहनियां, ठीक. फोर्थ है केज, अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ मेटल बार्स और वायर इन व्हिच एनिमल्स और बर्ड्स आर केप्ट, ठीक है, पिंजरे को कहते हैं, ठीक है, ये मेटल बार्स होते हैं, ये वायर से बने हुए केजेस होते हैं, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है जो मेटल से, वायर से बना हुआ होता है, इसे पिंजरा, जिसे आप लोग कहते हैं हम लोग पिंजरा, ठीक. नाउ द फिफ्थ इज कमांड, टू टेल समबडी टू डू समथिंग, किसी चीज को, किसी पर्सन को कोई चीज करने को बोलना, मीन्स उसे आदेश देना, ऑर्डर देना इज कमांड. नाउ द सिक्स्थ इज डेलीशियस, हैविंग अ प्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो आप खाते हो, ठीक है, वो उसके फ्लेवर, टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगा, दैट इज डेलीशियस, मींस बहुत ज्यादा स्वादिष्ट. नाउ सेवेंथ इज डेंस, मींस कंटेनिंग अ लॉट्स ऑफ पीपल, थिंग्स, प्लांट्स एक्सेट्रा विद लिटिल स्पेस बिटवीन देम, कुछ पर्संस को, ट्रीज को, किसी चीज को, थिंग्स को एक साथ आप रख दो किसी कम स्पेस में, तो ठीक है, तो वो डेंस कहलाता है, मींस बहुत ज्यादा घना. मतलब द नेक्स्ट मीनिंग दैट इज डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस बिकॉज़ समथिंग हैज नॉट हैपेंड एज एक्सपेक्टेड, कोई चीज के लिए दुख जाहिर करना, दुखी होना, क्योंकि जिस तरह से वो चीज सोची गई उस तरह से नहीं हुई, जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट की थी वो उस तरह से नहीं हुई, मींस निराशा. नेक्स्ट इज डिस्टेंस, द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू प्लेसेस और थिंग, किसी दो प्लेस और थिंग के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसी को डिस्टेंस मीन्स दूरी, ठीक है. नेक्स्ट इज डल, मीन नॉट ब्राइट, मतलब जो धुंधला हो, साफ ना दिख रहा हो, दैट इज नॉट नोन एज डल. नेक्स्ट इज एम्परर, एम्परर मीन्स अ किंग, एक राजा को हम लोग क्या कहते हैं, एम्परर. नेक्स्ट इज
empire, a group of countries or states that is ruled by one ruler. किसी country और state का group जो जिसको एक राजा जिस पे एक राजा राज कर रहा हो, ठीक है, उसे एम्पायर कहते हैं और किंगडम भी कह सकते हैं हम, ठीक है। कई सारे स्टेट्स हैं उसमें एक रूलर जो है राज कर रहा है वो एम्पायर कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट इज फाउंड, गॉट समथिंग आफ्टर सर्च, किसी चीज को आप काफी टाइम से ढूंढ रहे हो वो मिल गई हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, फाउंड, मीन्स कोई चीज को मिल जाना। नेक्स्ट इज लॉन्ग, दैट इज वॉन्टेड समथिंग वेरी मच स्पेशली इफ इट डिड नॉट सीम लाइकली टू हैपन सून, किसी चीज को पाने का इंतजार करना जो लग रहा हो कि वो हमें इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, मींस इंतजार करना किसी चीज के लिए। नेक्स्ट इज मेलोडियस, मींस वेरी स्वीट वॉइस, मधुर स्वर, किसी बर्ड का कोई भी हो, कोई पर्सन हो, कोई बहुत अच्छा गाना गाता हो, बहुत मीठी मीठा स्वर हो उसका, दैट इज मेलोडियस। नेक्स्ट इज आउट टू, मींस यूज्ड टू से व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, मतलब कहना कि क्या चीज सही है करने के लिए, मतलब क्या चीज करनी चाहिए, दैट इज आउट टू। नाउ द नेक्स्ट मीनिंग इज पैलेस, सो द ऑफिशियल होम ऑफ अ किंग और क्वीन, किसी राजा या रानी का जो ऑफिशियल होम होता है, जो घर होता है, उसे हम लोग पैलेस कहते हैं, मींस महल, राजमहल वो पैलेस कहलाते हैं। नेक्स्ट इज पार्सल, समथिंग दैट इज रैप्ड इन अ पेपर और पुट इन एन एनवेलप so that it can be sent by different means, किसी चीज को किसी थिंग को आप किसी पेपर में रैप करके किसी एनवेलप में डाल दो और उसे किसी मीन्स के थ्रू चीजें भेज रहे हो, दैट इज नोन एज पार्सल। नेक्स्ट इज प्रीशियस, प्रीशियस मीन्स लव्ड एंड वैल्यूड वेरी मच, किसी चीज को आप जो चीज़ आपके दिल के करीब हो, मतलब जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, कीमती हो, वो प्रीशियस कहलाती है। नेक्स्ट इज रॉयल, connected with or belonging to the king or queen of country, किसी भी जगह पर country और state का जो king और queen है, अगर आप उससे belong करते हो, उसके घर के हो, तो आप royal कहलाओगे, means राजशाही कहलाओगे। Next is tune, a series of musical notes that are sung or played in a particular order to form a piece of music. सीरीज, म्यूजिकल नोट्स की सीरीज, सॉन्ग और प्लेड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, जब उसे गाया जाता है किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ट्यून कहते हैं, ताकि वो एक फॉर्म ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का एक फॉर्म बन जाए, ट्यून बन जाए, नोट्स जो है म्यूजिक बन जाए, दैट इज नोन एज ट्यून, और उसे हिंदी में क्या कहते हैं, तराना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वंस लॉन्ग अगो इन चाइना लिव्ड एन एम्परर, His palace had the most beautiful garden in the world. कह रहा है यहाँ पे, बहुत पहले चाइना में एक एम्परर रहता था, राजा रहता था। His palace had the most beautiful garden in the world. उसका जो पैलेस था, मतलब उसका जो महल था, वहाँ पे जो है जो गार्डन था वो वर्ल्ड का ब्यूटीफुल गार्डन था, वर्ल्ड का सबसे सुंदर गार्डन था वो। This garden ended near a dense forest. और ये जो गार्डन था, मीन्स बगीचा था, वो जो है घने जंगल पर जाकर खत्म होता था। इन वन ऑफ द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट लिव्ड अ नाइटिंगेल, इट सैंग सो स्वीटली दैट एवरीवन स्टॉप्ड स्टिल एंड लिसनड टू इट्स सॉन्ग। कह रहा है कि इन वन ऑफ द ट्री, वहां पर फॉरेस्ट में एक पेड़ पर, उस जंगल में एक पेड़ पर एक नाइटिंगेल रहती थी, मीन्स बुलबुल रहती थी, वो इतना सुंदर गाना गाती थी, इट सैंग सो स्वीटली, इतना सुंदर गाना गाती थी कि जो भी लोग थे, जो भी वहाँ से गुजरते थे, वो वहीं पर खड़े हो जाते थे और उसके गाने को सुनने लगते थे। नाउ द नेक्स्ट पैसेज इज, ट्रैवलर्स केम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू एडमायर द एम्परर्स पैलेस एंड हिज गार्डन। जो ट्रैवलर्स होते थे, ट्रैवलर्स मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करते हैं, वो ट्रैवलर्स जो थे वो वहाँ से हर जगह से ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब दुनिया के किसी भी कोने से आते जो थे उस गार्डन को देखने के लिए, मींस उस राजा के पैलेस गार्डन को देखने के लिए। हाउएवर व्हेन दे हर्ड द नाइटिंगेल सॉन्ग दे सेड दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल, फिर भी जब वो नाइटिंगेल मींस बुलबुल का गाना वो सुनते थे तो वो कहते थे कि ये सबसे बेस्ट है, मींस ये सबसे ज्यादा अच्छा है। राजा का जो गार्डन था वो तो अच्छा था ही, सुंदर था पूरे वर्ल्ड में, लेकिन जब वो उस बुलबुल की आवाज़ को सुनते
थे, उसके गाने वो सुनते थे, तो वो कहते थे कि ये सबसे बेस्ट है. Soon the emperor heard of the nightingale. Is there such a bird in my empire? I have never heard of it. तभी राजा को नाइटेंगल के बारे में, बुलबुल के बारे में पता चलता है. कहते हैं क्या मेरे एम्पायर में, मेरे राज्य में ऐसी कोई बर्ड है? I have never heard of it. मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना. I command the bird to be brought to my palace and made to sing before me. मैं ये कमांड करता हूँ, मीन्स वो ऑर्डर दे रहे हैं कि उस बर्ड को मेरे पैलेस में लेके आया जाए, ठीक है, और उसे मेरे सामने गाना गवाया जाए. मीन्स उससे कह रहे हैं कि वो मेरे सामने गाना गाएगी, उसे तुम लोग लेकर आओ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन. टिल दैट Friends, now your homework is that you have to write the hard words and the word meaning. ठीक है, आपको hard word लिखने हैं. जो भी इस chapter में hard words दिए गए हैं उन्हें आपको अपनी homework copy में लिखना है. And you have to also write the word meanings with the Hindi meaning. आपको word meaning भी लिखनी है. जो कठिन शब्दार्थ है जो उनको आपको लिखना है, कठिन शब्द शब्दार्थ को आपको लिखना है. साथ में English meaning के साथ आप Hindi meaning भी लिखिए, as I have taught to you in the video.